संडे था और पापा ने बोला कि मैंने एक जगह बात कर रखी है तो तुम्हें बात करनी है। और मैंने बोला कि बात कर रखी है मतलब, तो बोलते हैं कि नहीं मैंने उनसे बहुत पहले से बोला हुआ था। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं बात करनी है, तो पापा ने बोला नहीं अब किसी को बोल दिया तो बात कर लो, देख लो समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं। तो उनकी भाभी से पहले कॉन्टैक्ट हुआ था तो पापा ने बात करी थी। और उसके बाद तब ये बंदा कहीं पे वेकेशन पे था, आई थिंक गोवा। और हाँ आई थिंक सेकेंड डे था उनका गोवा में। और रात को आई थिंक 10 o'clock था उन्होंने कॉल किया था। एंड पापा के फ़ोन पर थी, मैंने अपना नंबर कुछ नहीं दिया था। और बात की 5 मिनट 10 मिनट ऐसे टाइम जाता गया। एक दूसरे का स्टोरीज वही शेयर किया। फिर वो बाद में बोलते हैं कि अपना नंबर दे देना। मैंने बोला कि ऐसे नहीं मांगते हैं नंबर, तरीका होता है मांगने का, ऐसे नंबर नहीं मिलता है। तो बोलते हैं कि क्या मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, हाँ नहीं तो भाभी को बोल दूँगा, इतनी तहजीब मुझे नहीं आती है। तो मैंने बोला कि ठीक है फिर मैं भाभी को ही नंबर दे दूँगी। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी ऑलरेडी भाभी को नंबर दे चुके थे पहले से। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं हर जगह से माइनस माइनस हो रही हूँ, ये बंदा प्लस प्लस होते जा रहे हैं हर जगह से। Why Riya? Because the person that I wanted to get married to has to kind of have certain qualities, right? There was a checklist that I had, and Riya ticked a lot of those boxes, right? She's a very polite person. She's somebody who genuinely cares about people. Like she really cares about my mother, right? She's really really beautiful from the inside. What else? She has layers. So I like people who have layers. So yeah, I think that's pretty much it. शगना दिशा अखियां विच लेके माही तेरा ही ना, मैं ते तुर जाना तेरे नाल, तेरे नाल वे तारे मेहमान, चन्ना वे तेरी खाते सारा जहां, छड़ के मैं जाना तेरे जाना तेरे ना। बिकॉज इज अ वेरी शाई पर्सन, पता नहीं कैसे लड़का होकर इतना शाई कैसे, मतलब वो मुझे भी मात देते हैं। लड़की होकर मैं इतनी शर्माती जितना वो शर्माते हैं, और ये फैक्ट है, ये है फैक्ट, 100% फैक्ट है। I didn't think that I'll speak to this person for like 10 minutes, but then I ended up speaking to this person for about 3 hours. We spoke about different things, different topics, likes, dislikes, hobbies, how do we think about different things. So
yeah, it was pretty interesting talks. The one thing that I love about her is that she has opinion about things, right? Which I think is a very good quality to have. So yeah, I think the experience was good. Although at that time I was not sure whether she will move forward with this thing or not. Because she was like, I mean, she had a lot of questions, a lot of doubts and everything, and then she was like, I might need some time and all. And then we agreed that, yeah, she should sleep over the entire conversation that we had and think about things again, and then maybe we should talk again. So yeah, that was it. But I'm glad that we spoke again and things went the way they went. He's very sweet and caring. And he can crack jokes. And I think ladkiyon ko funny guys achhe lagte hain. That doesn't mean he can crack jokes with other women also. Aisa nahi hai. खाने पीने का शौक है, सब खाना है, बाकी ये है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, मतलब उसको शेक से लेके सब पीना है, बट ये है कि मोटी जाऊँ, बट मज़ा इतना आता है सब चीज़ का। पहली बात तो ये, जब बड़े पापा इसकी चाबी लेने आते हैं गाड़ी की, सबसे पहले आवाज़ आती है रिया, वहीं दूर से आएगी। उसके बाद क्या है, एक ही बार में सामान नहीं लेके जा सकते। फिर उसके बाद मम्मी पापा को दे दो चाबी। अब देखना दोबारा आएंगे, फिर हॉर्न बजाएंगे, फिर बोलेंगे मोबाइल छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। उसके बाद ऐसी नोकझोंक चलती रहती है। और हम कजिन्स में ये मस्ती रहती है, अगर रोशन के लिए रिया ने कुछ भी बनाया होगा खाने के लिए, सबसे पहले मैं आती हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, रौनक के लिए कुछ नहीं बनाया, हर चीज़ छोटू 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 छोटू। फिर उसके बाद बोलती है तुम कुछ खाती नहीं हो तो मैं क्या बताऊँ, खाना सीख जाओ, तुम्हारे लिए बना दूंगी, टेस्ट करके देखो। ये चलता रहता है। बट इन सब से भी ऐसी ही थोड़ी बहुत तो लड़ाई झगड़ा होता है। सब ठीक? वैसे तो बहुत बहुत बधाई है, पहले तो हमारी शादी हुई, ठीक है, चीज़ें तो हमें बहुत मस्त मिले हैं, मस्त पार्टी करना उनके साथ अब तो। और मेरे को जहाँ तक याद है तो मैं ऊँचाइयों से थोड़ा सा डर है, ठीक है, ऊँचाई से थोड़ा सा डर है मैं फ्लाइट से। अब देखो तुम्हें पुणे से मतलब बैंगलोर से लेके लखनऊ तक मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें आना है फ्लाइट में, प्लीज़ अब सीख ले फ्लाइट में बैठना। अब जीजू के सामने प्लीज़ उल्टी मत करना, लास्ट टाइम उल्टी गई थी ठीक है मान ली, तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, अब उनके साथ तुम ट्रिप्स पर जाओगी, कहाँ कहाँ जाओगी, अब बी रेडी फॉर ऑल थिंग।
रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, मोह मारे नजरिया सावरी। परिस्थितियाँ रहे वो हमेशा उसको मैनेज करेगी और उसमें वो खुश रहेगी, इसलिए रिया की मुझे टेंशन तो है ही नहीं। वो लाइफ में हमेशा खुश रहेगी, उसको सब परिस्थितियों का सामना करना आता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है। रिया के लिए क्या बोले, रिया भले ही हमारी भांजी है बट वो हमारी बेटी के समान है, तीनों ही भाइयों की एक ही बहन है वो, उसके साथ हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है।
हमारी प्यारी बेटी रिया, उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगी। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देखकर कुदरत भी हैरान है। रिया 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 ओ रिया, तुम्हें मिला है साहुल पिया। आज रिया का विवाह है, वो हमसे विदाई लेगी। तो वो पल जो रिया के साथ बीते और अब रिया के ना रहने पर जो हम लोगों को उसकी कमी समय समय पे खलेगी, और आज जो रिया का विवाह हो रहा है उसकी हमें बहुत खुशी भी है और उसकी विदाई का गम भी है। फाइनली वेरी कॉन्ग्रेस टू यू एंड दी फॉर दिस वंडरफुल डे। आज 27th फाइनली आ ही गई है, 27th अप्रैल, और ये आपकी शादी का दिन है। कॉन्ग्रेस बोथ ऑफ यू फॉर योर वेडिंग। सपन में जैसे ये दिल ने कोई गजल पाली, पहली बारिश उस जमी पर इश्क ने बरसाई। हर नजर में ढूंढी ज्योति तुझ में पाई वफा। जान मेरी बन गया तू, जान मैंने लिया, तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी। सो कांग्रेचुलेशंस रिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से लाइव एंजॉय करो, बढ़िया बेंगलोर घूमो, बुलाओ हमको भी, हम भी घूमेंगे। अब और कुछ नहीं, बस तुम जहाँ पे भी हो हमेशा खुश रहना,
और जैसे हम लोग बचपन में करते थे ऑटो में जाते वक्त तेरे गाल खींचती थी मैं, ऐसे अभी भी मैंने हल्दी में खींचे थे, आगे भी मैं वैसे ही खींचूँगी। बस तू अब जल्दी से आ जाना और जीजू को बोल देना टिकट्स करवाते रहेंगे, मैं हर एक दो महीने बाद तेरे को बुला लूँगी। हेलो रिया दीदी, आपकी शादी के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं फाइनली आपकी शादी में आ पाई, पेपर पोस्टपोन हो गया, भगवान ने सुन ली। अच्छा मतलब कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा खुलने में। कितने दिन कोई देगा ना, मतलब एज कैमरा पर्सन आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि डिले कर दो शादी को, अच्छा कल कर दो क्योंकि कल आई भी कंफर्टेबल। देखो आज शादी एक बार भी फोन नहीं आया है ना, एक मैसेज नहीं आ रहा है कि वेयर इज रिया, सो बिजी। पर मैं भी नहीं कर रही हूं, जैसा वो करते हैं वैसे मैं भी करती हूं, उन्हीं से सीखा है। हिसाब बराबर। हां हिसाब बराबर। प्लीज जल्दी आओ यार, मैं तुमसे पहले से रेडी होके बैठी हूं, ऐसा मत करो। The beat of it.